स्टार्ट करते वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग एक होम व्लॉग शूट करेंगे, क्योंकि अभी जैसे कि आपको पता है कि बारिश का मौसम हुआ है, और अभी आप देख सकते हैं कि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हुआ हुआ था। हाय। अच्छा, यहाँ पर गैलरी में खड़ी से कपड़े टंगे हैं। तो ट्यूसडे को हुआ हुआ था कि बारिश इतनी नहीं होगी, लेकिन सुबह से बारिश हो रही थी। अभी तो नहीं हो रही बारिश, लेकिन कल परसों तो बहुत तेज बारिश थी। कल रात परसों रात को हमारी गैलरी आधी पानी से भर गई थी, मतलब हवा की वजह से बारिश यूँ बिल्कुल दूसरी वजह से आ रही थी। तो अभी जैसे कि आपको मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में दिखाया था, मैं गई थी अपने कोर्स लेने सेवेंथ का, फिर भी गया था क्योंकि वन में आ गए हैं। तो हाँ, तो ना फिर अभी क्या हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी काफ़ी सा सिंधी की बुक लगी थी। सिंधी की बुक मैं इतना बोलती हूँ, मामा पूरा वक्त कुछ बोलती थी, तुमने सिंधी की बुक कितनी बार बोली है। तो हाँ, जैसे मेरी सिंधी की बुक और मेरी कॉपीज रह गई थी। तो अभी आज मामा ने उनको कॉल की थी, ट्यूसडे को कॉल की थी, मंडे को तो ऑब्वियसली नहीं कर पाती क्योंकि हालात ही ऐसे थे। तो आज मामा ने कॉल की पूछने के लिए कॉपीज वगैरह आ गई। बिल्ली कैसे आई थी हमारे घर वो मैं बताती हूँ। हाँ, तो मामा ने उनको कॉल की कि आप बता दें कब तक आएंगी कॉपीज। तो वो कहने लगे कि आप ना फ्राइडे को पूछेगा, और मंडे से स्कूल खोल रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है अगर फ्राइडे को। बस दुआ करें बारिश का इतना कुछ होना, क्योंकि अगर अब मजीद बारिश हुई तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और अभी अजान हो गई तो मंदिर चलते हैं। आज हमें बहुत ज़्यादा टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि आज डायरेक्टर साहब आ रहे हैं कराची, पाकिस्तान आ रहे हो। तो ये लो, ये मेरे बाबा, खजर के बाबा, और मेरे जो मामू जो खजर के ताई अब्बू जिनको मैं डायरेक्टर साहब कहती हूँ, तो वो लोग तो हम लोग दुबई में रहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, हाँ, तो ये लोग आ रहे थे। तो अभी लोग ना वाला आ रहे थे, आज आज सुहेल मामू को आना है, सही है। अब क्या हुआ कि बारिश का पानी इतना जमा है कि अब आज उनकी फ़्लाइट है, कितने 9 या 10 बजे की उनकी फ़्लाइट है। हाँ, 12 बजे घर पहुँचेंगे, अब पता नहीं कैसे पहुँचेंगे क्योंकि पानी इतना जमा है। बस दुआ करते हैं कि सब सही हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, और बस पानी बीच में पंगे ना करें, क्योंकि मैंने तो एक बार न्यूज़ में सुना कि लिटरली एक आंटी और उनका बच्चा गड्ढा में गिर के मर गए, पानी इतना जमा था कि वो फोन नज़र नहीं आया। तो बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अब बोलिया खैर, तो अब अगर ये मज़ीद बारिश हुई तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप सबके लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह की हर दी हुई चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र करना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो इसलिए आप लोग दुआ करें सबके लिए, अपने घर वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो सड़कों पर सोते हैं, वो जिनकी झोपड़ियाँ चली गई, तो इन सब लोगों के लिए आप दुआ करें कि इनको इनके घर वापस मिल जाए, ये हो, सही है। और दूसरी बात, कैमरा वह देखे मैं क्या करती हूँ, कैमरा ना देखे अभी यूँ है ना, फिर यूँ 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 हो जाता है मेरा, पता नहीं। यहाँ बैक कैमरिंग बैक व्लॉग बैक कैमरे से व्लॉगिंग करना अलग ही बात है, पता नहीं वो लोग कैसे करते हैं। खैर, मैं भी उन लोगों शामिल हो रही, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया व्लॉगिंग मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। जब से व्लॉगिंग स्टार्ट किया बैक कैमरे से व्लॉगिंग करती हूँ, ऑलमोस्ट मेरी डेली व्लॉगिंग ही होती है, क्योंकि डालती तो मैं दिन में दो दिन, मतलब डालती तो हफ्ते में दो दिन में, लेकिन मेरी व्लॉगिंग डेली होती है कि मैं व्लॉग पहले से ही बना के रखती हूँ। तो बारिश हो रही थी इसलिए ना हमारे घर में एक वाइट बिल्ली आके बैठ गई। तो हमारे घर में ना जिस साइड टेरेस है, तो उसके बिल्कुल एक स्मॉल सा पोर्शन अपार्टमेंट में बोलती हूँ उसे, हाँ, तो वो एक बिल्कुल अपार्ट जगह हुई हुई है, और वहाँ पे एक बकस रखा है जिसमें हमारा अटैची वगैरह सब, पता नहीं यार वो सूट उसको अटैची वगैरह क्यों देते हैं। हाँ, तो ना क्या हुआ कि वहाँ पे वो रखा हुआ था बकस, तो क्या वो बारिश इतनी तेज हुई, मैं आपको वो एरिया भी दिखाऊंगी आज, सही। अभी तो कारपेंटर आए हैं, कुछ काम चल रहा है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा आजकल काम चल रहा है, रीज़न आपको पता चल जाएगा। खैर, तो ना क्या हुआ कि पीछे वो आई हुई थी, तो बारिश वजह से एक बिल्ली पीछे आ गई, बिल्कुल वाइट, इतनी हसीन बिल्ली थी वो। और उसके बाद क्या हुआ कि ना जब वो साफ़ कर रहे थे ना, सफाई हो रही थी, तो हमारी जो मेड है अती आंटी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा पीछे एक बच्चा पड़ा है बिल्ली का, उन्होंने उठाया तो वो बच्चा इतना खूबसूरत, कोई बच्चा प्योर वाइट और उसकी आँखें ब्लू,
इतना प्यारा बच्चा था, हमने सोचा इसको हम पाल लेते हैं, लेकिन अब पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी और हमारे मतलब इसे अलाव भी नहीं करेंगे ऐसे पालना। हाँ तो हमने कहा चलो जाने देते हैं, बिल्ली को उसके बच्चा दे देते हैं। फिर एक तो वही बात हुई ना कि एक बच्चे को उसकी माँ से सेपरेट करें। तो अब गए अपना, वो आंटी ने बच्चा सीढ़ियों पर रख दिया, वहीं से फ़ौरन बिल्ली आके अपने बच्चे को मुँह से पकड़े जैसे वो पकड़ती और ले गई। फिर उसको अच्छे खास जगह पर छुपाया उसने ताकि बिल्ली ना खा जाए। उसको छुपाने के बाद अब पता नहीं वापस आ गई, मियाँ मियाँ करी कि उसका कोई और बिल्ली देखा तो कोई और बच्चा नहीं था, पता नहीं बारिश की वजह से आई। तो वहाँ पे जो बच्चे थे इतने प्यारा बच्चा, तो बिल्ली भी बहुत हसीन थी। तो ये सीन हुआ था और सबको लग रहा था कि बिल्ली को खजन ने अंदर भेजा है। अच्छा क्या बात है, कल मैंने व्लॉग बनाया था लेकिन ना प्रॉब्लम ये हो गई थी कि कल क्या प्रॉब्लम हुई, कल व्लॉग अच्छा नहीं बना, बेकार था। खजा की चोट लगी, कहाँ लगी चोट, हटाओ तो। तो इस साइड पर आप देख सकते हो, तो खजा की यहाँ पे चोट लगी, बताओ कैसे लगी, बैट से लगी। कैसे लगी बैट से, मैं बैट मारा था अचानक से यहाँ लगा। ये इसका जो बैट है ना वो एक साइड से ना यूं कटा हुआ है, अब ये शरारते करते तो लगा चोट लग गई ना। अब करोगे हरकते, लगता तो है करोगे तुम, सुधर गए। तो अभी मैं हैदर को एक गोद में लिया, हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हैदर तो यहाँ पे, हैदर अभी बड़ी मुश्किल से दूध पीता है, तो अभी दूध पी के आ गए है। हैदर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इसको मामा पकड़े। तो यहाँ पे हमारे हैदर शाम आ गए हैं, कुछ कुछ है नींद में, अभी तो नींद नहीं की है। इसको जहाँ पंखा नजर आता है ना बस उससे लड़ना शुरू हो जाता है कि इसको हाथ में दे दो पंखा है। हाँ तो आए हम बैठे हैं, हैदर अभी सो नहीं रहा है, वो बहुत चिढ़ रहा है, तो हम देखते हैं दो है। अभी तो हम बस बैठे हुए लेटे हुए टाइम गुजार रहे हैं, करते हैं बुक्स पढ़ते हैं। हाँ बुक्स पढ़ूंगी मैं अपनी साइंस की बुक, इस पे मान ने अपनी बहुत गंदी राइटिंग में नाम लिखे हैं और पता नहीं डॉट हर जगह डॉट, इतनी क्या बोलूँ बस मैं। तो ये हमारी है मार्शल कैमन डिश की डिश की तो यहाँ पे आएगा प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट्स अबाउट द ऑथर, अबाउट द बुक, फिर हमारे कंटेंट्स आएंगे अबाउट द बुक और अबाउट द ऑथर, और ये हमारे कंटेंट्स आ रहा है। सो पहला चैप्टर है फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गेनिजम्स, और ये सारे चैप्टर टोटल 12 चैप्टर्स हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स, आयन्स जो भी इनको कहते हैं, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ गलत, बट जो भी है। क्या पढ़े हम, तो गाइस यहाँ पे मैं अभी खा रही हूँ समोसे, तो अभी हम खाते हैं, भूख बहुत लगी है, इस वक्त तो बहुत भूख लगती है, खाए तो खाते हैं और खाते हैं। तो गाइस अभी खाना खाते हैं, हम 11 बज गए, 11 बजे हम खाना खा रहे हैं, तो अभी खाना खाते हैं। खाने में क्या बनाए, चिकन चने की दाल बनाए, मतलब चने की दाल और गोश्त चने की दाल जो भी बनाए, तब हम लोग खाना खाते हैं और देखते हैं मामू का जहाज लैंड हुआ कि नहीं, फिर मिलते हैं आपसे। ये सो रहा है बड़ी मुश्किल से। तो गाइस सुहेल मामू का जहाज लैंड हो गया, अभी हम सॉफ्ट करें, और यहाँ पे हैदर भी हैदर अपने बिप खाए जा रहे हैं, इनको अभी कार्टून देखे थे, कार्टून चढ़ाए, ये क्या करते हैं, कार्टून लगाओ कार्टून देगा, जैसे मैं ड्रामा लगाओ कौन ड्रामा देखता है, उसमें उसको इंसान नजर आते हैं, लगता है कि उनसे बातें कर रहे हैं, है ना। कुछ दिन पहले मेरा व्लॉग चल रहा था टीवी पे उधर, तो क्या हुआ इसने देख लिया, अब इसको लगा मैं इससे बातें कर रही हूँ, जो इसकी बातें शुरू हुई खत्म ही नहीं हुई है। छोड़ दे मैं उठा लूंगी। तो आज हम सही लोग आ गए घर पे, और हम बैठे बात करें, बहुत शोर हो रहा है,
और यहाँ पे पीटीआई का भी क्या चल रहा है, वो परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना दिया और कुकुड़ी को हलाल कर दिया। तो गाइस अभी नाश्ता चल रहा है, नाश्ते में पीटा ब्रेड है और ये चाय है। तो वैसे तो मैं दूध पत्ती पीती हूँ लेकिन दूध खत्म हुआ हुआ है इसलिए हमें पानी वाली चाय से पानी हाँ गुजारा करना पड़ेगा। खैर नाश्ता करते हैं उसके बाद आगे का देखते हैं आगे का ब्लॉग क्या बनता है। फिर आपसे मिलते हैं। और स्कूल से भी मैसेज आ गया कि आपकी कॉपीज और बुक्स स्कूल के क्लासेस होने से पहले आ जाते हैं, हम फर्स्ट अगस्त से क्लासेस हैं। अब भला बताइए कॉपीज मैं कहाँ से लाऊं, मम्मा कहते खुद ही छाप लेते घर पे। अब देखते हैं क्या बंदोबस्त होता है कॉपीज का। बंदोबस्त करते हैं फ्राइडे को आ जाए तो फ्राइडे को जाके फॉरन सारी ले आए विदाउट एनी प्रॉब्लम। मामू यार हम क्रिकेट खेल रहे, जब भी मामू आते हैं हम हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, है ना। और आप बताए शूट करे, खिजर बॉलिंग करेंगे और यहाँ पे कुर्सी पे पर्दे चादर अटके हुए जो कल सफाई हुई थी साफ उसको इग्नोर करें। एनजी आप आउट हो गए। अभी एनजी बॉलिंग कर रहे यहाँ तक पहुँच के अब बारी आती है व्लॉग एंड करने की और हैदर बीच में बोले जा रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं हम सैटरडे के व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।